Hello dear students, welcome you all to the Rishabh Academy online classes. Today we understand about the business for class 11 and chapter name is business services. It is our first part. Is part mein is chapter mein kya kya padhne wale hain, what we can understand the learning objective of here. First of all we understand about the business services ke bare mein samjhenge, uski meanings ke bare mein samjhenge, uske features ke bare mein samjhenge. ठीक है, सर्विस और गुड्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में समझेंगे. टाइप ऑफ द बिजनेस सर्विसेज जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, कम्युनिकेशन है, वेयर हाउसिंग है, इनके बारे में समझेंगे. देन आफ्टर दैट बैंकिंग सर्विसेज उसकी मीन्स एंड नेचर्स के बारे में समझेंगे, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक के बारे में समझेंगे, इंश्योरेंस के बारे में समझेंगे जिसमें उसका मीनिंग और उसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस की बात करेंगे, फिर डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड अश्योरेंस, एंड आफ्टर दैट टाइप ऑफ इंश्योरेंस की बात करेंगे. फिर उसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस, उसमें किस किस तरह की जनरल इंश्योरेंस होती है, देन डिफरेंसेस बिटवीन द लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, एंड आफ्टर दैट द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ फायर एंड मरीन इंश्योरेंस, एंड एट लीस्ट लास्ट वन पोस्टल एंड टेलीग्राम सर्विस. जैसे कि इसमें पोस्टल सर्विसेज आपके सिलेबस में इस बार नहीं रखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टुडेज टॉपिक इज मेन फीचर्स ऑफ सर्विसेज एंड टाइप ऑफ बिजनेस सर्विसेज. जब इसकी बात करते हैं तो पहला हमारा मीनिंग की बात करें, सर्विसेज एग्जैक्टली क्या होती है. सर्विसेज की बात करें वो कोई सी भी एक्टिविटीज, वो कोई सा भी बिहेवियर जो बिजनेस को स्मूथली रन कराने में हेल्प करता है वो सर्विसेज का पार्ट होता है. जैसे कि द सर्विस सेक्टर्स इंक्लूड द कॉमर्शियल फॉर्म्स इंगेज्ड इन द बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा. इसमें ये सारी चीज़ें कौन कौन सी आती हैं, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस और वेयर हाउसिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं. किसका पार्ट होती है, सर्विसेज का पार्ट होती है. द सर्विस सेक्टर कंस्टिट्यूट the basic infrastructure which is the most for the smooth flow of business activities. यहाँ पे कहता है कि ये ऐसे infrastructures होते हैं जो कि बहुत ही जरूरी होते हैं किसके लिए, smoothly flow of business activities, यानी business activities को अच्छे से run कराने के लिए. In the recent past, the role of service sectors in India economy is growing the faster than the agriculture and industries. अगर देखें तो इंडिया में जो सर्विस सेक्टर्स है उसकी जो पार्टिसिपेशन है इकोनॉमी में कहीं ज़्यादा है इंडस्ट्री सेक्टर से और एग्रीकल्चर सेक्टर से. फिर भी कहता है अ वैरायटी ऑफ द सर्विसेज आर अवेलेबल टू मीट द चेंजेस ऑफ इकोनॉमी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स. तो यहाँ पे बहुत तरीके की क्या है, तो वैरायटी ऑफ द सर्विसेज आर अवेलेबल, अलग अलग तरीके के सर्विसेज अवेलेबल है इसके लिए, टू मीट द चेंज ऑफ द इकोनॉमी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो इकोनॉमी में बदलाव है उसके हिसाब से बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल हैं. तो द सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विस सेक्टर्स इज गेनिंग मोमेंटम एंड इट हैज बिकम अ मेजर ट्रस्ट इंडिया इन द फील्ड ऑफ बिजनेस. और इसके लिए तो ये बहुत सारे मोमेंटम है इनके लिए. अगर देखें तो हम सर्विसेज के थ्रू क्या करते हैं, प्रॉफिट को ज्यादा ज्यादा बढ़ा सकते हैं, गेनिंग्स को ज्यादा ज्यादा कर सकते हैं. और ये क्या करता है, इट हैज बिकम अ मेजर ट्रस्ट इन द फील्ड ऑफ बिजनेस. ये क्या बिजनेस के फील्ड में बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट को जनरेट करने वाला होता है. हम बात करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ द फीचर्स ऑफ द नेचर ऑफ बिजनेस सर्विस की. तो इसमें हमारा पहला आता है इनटेंजिबल. बिजनेस सर्विसेज जो होती है वो इनटेंजिबल होती है, यानी कि ये दिखाई तो नहीं देगी बट हम इसको फील कर सकते हैं, इसकी सर्विसेज को महसूस कर सकते हैं. कहता था सर्विसेज आर इंटेंजिबल, जो भी सर्विस होती है वो क्या होती है, इंटेंजिबल होती है. दीज कैन नॉट बी सीन और टच, इसको छुआ और देखा नहीं जाता. वी कैन ओनली द फील सर्विसेज और कैन ओनली द एक्सपीरियंस. हम सर्विसेज को केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको केवल महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते. वी कैन नॉट फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस बिफोर टेकिंग इट. हम क्या कर सकते हैं, हम ये नहीं देख सकते हम कुछ किसी चीज़ को सर्विस में. स्पेशली क्या होता है, जब तक हम उस सर्विस को लेते नहीं है तब तक हम उसके बारे में कुछ भी महसूस नहीं कर सकते, कोई एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं होता. मान लीजिए क्या है, कोई फैन है हम उसकी सर्विस अगर ले रहे हैं, कोई डॉक्टर है हम उसकी सर्विस ले रहे हैं, तो उसका इलाज सब हमको अफेक्ट करता है, यानी कि हमारे ऊपर अच्छे से उसका रिजल्ट आता है तो हम उसको कहते हैं वो अच्छी सर्विस देता है, वो अच्छा डॉक्टर है. ठीक इसी तरीके से कोई भी सर्विस को बिना हम लिए, बिना यूज किए हम उसकी क्वालिटी के बारे में बात नहीं कर सकते. One can find out the quality only after the experience. इसकी quality केवल क्या होता है, experience के बाद में find out कर सकते हैं. To supply the must try of offer the goods quality service to customer so that they demanded them again after the experience. अगर मान लीजिए क्या होता है, क्वालिटी ऑफ गुड्स अच्छी होती है, सर्विस अच्छी होती है, तो कस्टमर क्या करता है, बार बार उसको
आपको दिमाग में रहेगा। सेकंड की बात करें तो लैक ऑफ होमोजेनिटीज और इनकंसिस्टेंसीज, इसमें क्या होता है इनकंसिस्टेंसीज होती है, हर बार अलग अलग तरीके का होता है। इसमें क्या होता है सर्विस हैव टू बी परफॉर्म ईच टाइम अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर। वो क्या होता है हर बार अलग अलग टाइम पे उसका परफॉर्मेंस होता है, वो पूरी तरीके से क्या होता है कस्टमर के डिमांड और उसके एक्सपेक्टेशन होता है, वो क्या सोचता है कस्टमर उसके हिसाब से होता है। नॉर्मली कहता है सब सर्विसेज मे बी प्रोवाइडेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो कुछ सर्विसेज ऐसी होती है कि अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर उसको अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड बाय द नेशनलाइज्ड बैंकर्स बैंक्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड बाय द प्राइवेट सेक्टर और द फॉरेन बैंक्स। तो ये देखिए नेशनलाइज्ड बैंक जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो डिफरेंट होता है, और जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं और जो फॉरेन बैंक होते हैं उनके थ्रू जो प्रोवाइड किए जाने वाले सर्विसेज होता है वो पूरी तरीके से क्या होता है डिफरेंट होता है। इसमें हम बात करें इन्वेस्ट्री इन्वेंट्रीज की बात करें, इन्वेंट्री का था मेन फीचर ऑफ द सर्विसेज दैट द सर्विस आर कंज्यूम एट द सेम टाइम। इसमें क्या है स्टॉक हम इसमें नहीं मेंटेन करते, नॉर्मली क्या होता है सर्विस को जहां प्रोड्यूस किया था वहीं उसको कंज्यूम करने का किया जाता है। व्हेन दे आर प्रोड्यूस यहां पे लिखा भी है जब उसे प्रोड्यूस किया था वहीं साइड उसी टाइम में उसको क्या कहता है कंज्यूम कहते हैं। सो देयर इज नो नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री और द स्टॉक ऑफ सर्विसेज। इसलिए क्या होता है वहां पे इन्वेंट्री या स्टॉक को मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। फिर नॉन ट्रांसफॉर्मेबिलिटी और इनसेपरेबिलिटी की अगर बात करें तो ये ट्रांसफॉर्मेबल नहीं होता है, इसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि मेरे पास जो क्वालिटी है मैं किसी और को दे दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। क्या सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ द सर्विस। सर्विस कभी भी क्या होता है जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे कभी अलग नहीं हो सकता। दीज आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट द सेम प्लेस ओनली, और जिसको यहाँ पे जहाँ प्रोड्यूस किया जाता है वहीं पर इसको कंज्यूम भी किया जाता है। जैसे बार बार जो होता है वो बार बार क्या होता है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता अपनी सर्विसेज को पूरी तरीके से, वो जहाँ पे है वहीं पर उसको प्रोड्यूस कर सकता है वहीं पर आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे अप्लाई फॉर फिल रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डॉक्टर ये जहाँ होते हैं वहीं सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसको ऐसा नहीं कि ट्रांसफर देंगे इनकी सर्विस और घर पर लेकर इस्तेमाल कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है। कस्टमर पार्टिसिपेशन और इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्वमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे कस्टमर का पार्टिसिपेशन होता है फॉर द एक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस। तो नॉर्मली कहता है एक्सपीरियंस और सर्विस ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इज एसेंशियल। सर्विस का जो एक्सपीरियंस लेना है उसके लिए कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना बहुत ही जरूरी है। थोड़ा सा डिफरेंस है गुड्स और सर्विस की बात करें तो इसमें पहला इंटेंजिबल होता है, क्या सर्विस होती है इंटेंजिबल होती है, जबकि गुड्स क्या होता है टेंजिबल होता है। ठीक है इन्वेंट्रीज की बात करें तो सर्विस के लिए इन्वेंट्री में मेंटेन करने की जरूरत है, स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत है, लेकिन वहीं गुड्स के लिए इन्वॉइस स्टॉक को मेंटेन करना कंपलसरी होता है। फिर इनसेपरेबल की अगर बात करें तो सर्विस को हम सेपरेटली अलग नहीं कर सकते लेकिन गुड्स को प्रोवाइडर से अलग कर सकते हैं। सिर्फ पता है स्टैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात करें तो ये जो होता है नॉर्मली कहता है इट इज डिफिकल्ट टू इंडस्ट्रियलाइज एंड मेंटेन द क्वालिटी। सर्विस जो प्रोवाइडर होता है या सर्विस की जो प्रोवाइडर है उसके स्टैंडर्ड को और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है उसको क्लियरिफाई करना थोड़ा सा टफ टास्क होता है, जबकि हम बात करें गुड्स को हम स्टैंडर्डाइज और क्लियरिफाई भी कर सकते हैं पूरी तरीके से। नेचर की बात करें तो ये एक्टिविटी होती है, एक प्रोसेस होता है। ठीक है जैसे हम मूवी देखते हैं फिर उसके बाद करें तो गुड्स होगा फिजिकल अपीयरेंस रखने वाला होता है, फिजिकल एक्सेप्टिव होता है जैसे कार टीवी एक्सेट्रा। फिर अगर टाइप की बात करें तो ये हेट्रोजीनियस होता है और ये होमोजीनियस होता है, ये अलग अलग हो सकता है, वो मोस्ट ऑफ टाइम सिमिलर होते हैं। इसमें हम ट्रांसफर ऑफ द ऑनरशिप की बात करें तो इसमें ट्रांसफर नहीं कर सकता, और इसमें यानी कि सर्विस में हम ऑनरशिप को ट्रांसफर नहीं कर सकते, गुड्स में हम ऑनरशिप को ट्रांसफर करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन और द टाइप ऑफ सर्विसेज। तो सर्विसेज के टाइप की बात करें तो बिजनेस सर्विसेज सोशल सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज को की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो बिजनेस सर्विसेज की हम पहले बात करेंगे तो बिजनेस सर्विसेज की अगर बात करें तो बिजनेस सर्विसेज आर दोस सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस टू कैरी ऑन द बिजनेस एक्टिविटीज मोर स्मूथली। बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए जिस सर्विसेज को बिजनेस का जो एंटरप्रेन्योर पर्सन होता है बिजनेसमैन होता है जिस तरह की सर्विसेज को इस्तेमाल करता है ऐसे बिजनेस सर्विसेज को क्या होता है ऐसे सर्विसेज को बिजनेस सर्विसेज होते हैं। जैसे अपने बिजनेस को रन कराने के लिए वो क्या करता है बैंकिंग सर्विसेज देता है, फिर इंश्योरेंस देता है,
ट्रांसपोर्टेशन को यूज करता है, अगर हाउसिंग को यूज करता है, इसके साथ कॉमर्स कम्युनिकेशन को यूज करता है, इससे क्या होता है बैंकिंग से सोशल ट्रांजेक्शन आसान होता है, इंश्योरेंस से उसको सिक्योरिटी मिल जाती है, ट्रांसपोर्टेशन से वो अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से, वेयर हाउसिंग से वो स्टॉक मेंटेन कर सकता है, कम्युनिकेशन से लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता है। तो ये सर्विसेज क्या करती है, उसके बिजनेस को स्मूथली रन कराने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। तो ये चीजें क्या होती है, बिजनेस सर्विसेज होती है। सोशल सर्विसेज की अगर बात करें तो इसमें सोशल वेलफेयर की बात कर लेते हैं। नॉर्मली क्या करता है सोशल सर्विसेज आप कह रहे हैं तो वॉलंटियर टू अचीव द सोशल गोल, ये ऐसे सर्विसेज होते हैं जो सोसाइटी में जो कुछ फिक्स गोल होते हैं उसको अचीव करने के लिए होते हैं। आप दस अपलिफ्ट द सोसाइटी एट लार्ज, यानी आप सोसाइटी को क्या करते हैं ऊपर उठाने का काम करते हैं। इसमें नॉर्मली क्या दीज सोशल सर्विसेज में इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ अ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू प्रोवाइड द हेल्थ केयर, इम्प्रूव सैनिटेशन ऑफ स्लम्स, इन स्लम एजुकेशन एक्सेट्रा। तो ये क्या करते हैं सैनिटेशन को प्रोवाइड कराना स्लम एरियाज में, और इसके साथ साथ अगर देखते हैं तो अच्छे एजुकेशन को प्रोवाइड करना, साथ साथ अच्छे हेल्थ को प्रोवाइड करना। इससे क्या होता है जो वो जो वीकर सेक्शन होता है उसका क्या होता है कि ग्रोथ होता है, जो लोग अच्छे पैसे नहीं कमा पाते उनका बहुत बड़ा पैसा क्या होता है मेडिकेशन में इन्वेस्ट हो जाता है या उनके बच्चों के एजुकेशन में इन्वेस्ट हो जाता है। ऐसे बच्चों के लोगों के लिए क्या होता है कि कुछ हम ऐसी एक्टिविटीज कर लें जिससे क्या हो सकता है उनका ग्रोथ हो सकता है। इसमें नॉर्मली कहता है दिस सर्विसेज कैरीड बाय द गवर्नमेंट द बिजनेस इंटरप्राइजेस एंड एनजीओस को, ये जो सर्विसेज होती है वो गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ टाइम रन कराती है या बिजनेस इंटरप्राइजेस रन कराते हैं या फिर कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करने का काम करती है। पर्सनल सर्विसेज की बात करें तो ये पर्सनल सर्विसेज पर्सनल कस्टमर केयर को पर्सनली कस्टमर को प्रोवाइड कर रहता है। द पर्सनल सर्विसेज आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय द डिफरेंट कस्टमर, जो पर्सनल सर्विसेज जो होती है वो अलग अलग कस्टमर अलग अलग तरीके से इसको एक्सपीरियंस करता है। दीज डिफर अकॉर्डिंग टू द सर्विस प्रोवाइडर, और ये डिफरेंस जो होते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर जो होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, वो अलग अलग कस्टमर को अलग अलग तरीके से सर्विस प्रोवाइड करने का करता है। दीज आर ऑल्सो डिपेंड ऑन द कस्टमर डिमांड एंड प्रेफरेंस एक्सेट्रा, लाइक टूरिज्म एंड रेस्टोरेंट एक्सेट्रा। तो ये जो होता है वो क्या होता है कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की सर्विस को विथड्रॉ करना चाहता है। Thank you for watching this video. If you have any type of queries in this video, you should be consulted through the Google Classroom.